महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आए दिन हो रहे विवाद और पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने की हकीकत को जानने के लिए गुरुवार को गोरखपुर न्यूज की टीम 8:10 पर जब महिला जिला अस्पताल में पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट की ड्यूटी प्रातः 8 से अपराह्न 2 तक होती है, लेकिन जब गोरखपुर की टीम महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष के नंबर 22 और 23 नंबर पर पहुंची तो वहां पर ताला लटका हुआ पाया गया तथा कोई कर्मचारी और डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले। यहां तक कि पर्ची काउंटर पर भी कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दिया तथा मरीजों की भीड़ जमी हुई थी और लोग परेशान थे। कोई 4 भोर से आया था तो कोई पूरी रात से वहीं पर अपना लाइन लगाकर बैठे हुए थे। वहां पर आए हुए मरीजों का कहना था कि प्रतिदिन ऐसे ही देखने को मिलता है और यह जिला महिला अस्पताल की घोर लापरवाही है। उन लोगों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों को करीब 3 से दौड़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि अल्ट्रासाउंड वाले बोले हैं 200 दे दो तो काम तुरंत हो जाएगा और लाइन में लगे केवल 20 से 25 मरीजों का अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन किया जाता है। मरीज के तीमारदार ने कहा कि हम लोग वर्कर आदमी हैं, इन डॉक्टरों की लापरवाही से हम सभी का नुकसान होता है और इस प्रकार से निराश होकर जाना पड़ता है तथा प्रतिदिन स्टाफ डॉक्टर मरीजों में झड़प होती रहती है। उसके बाद जब गोरखपुर न्यूज़ की टीम ने महिला जिला अस्पताल के SIC NK श्रीवास्तव से कहा कि अल्ट्रासाउंड कक्षों का निरीक्षण कर ले और कई मरीज तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वह अपने चैम्बर से निकलकर पुरुष जिला अस्पताल के SIC के चैम्बर में जाकर बैठ गए। करीब 2 इंतजार के बाद वह अपने चैम्बर में वापस आकर बताए कि महिला जिला चिकित्सालय में पहले 4 रेडियोलॉजिस्ट थे, 4 मशीनों पर काम चल रहा था, अब तत्काल में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हैं। करीब प्रतिदिन 25 से 30 मरीजों को टोकन दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 50 से ऊपर मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पूरा टाइम देते हैं, किसी वजह से लेट हुई है या रास्ते में फंस गए हो, लेकिन प्रतिदिन सभी लोग टाइम से आते हैं और 2 के बाद भी टोकन सबका निपटा कर जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीज और मरीजों के तीमारदार तथा जिला महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने कहा, तो लेंगे अभी 20% बातें तो लेंगे। क्यों लेंगे भैया, क्यों मिस लेंगे।
समझ में नहीं आया है, मजा ले रहे हैं, यही होना कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 8:30 हो रहा है ना, 8:30 टाइम है ना मैडम का, आना चाहिए ना, लेटर में लिख रहे हैं आपसे 2 बार देखती हूँ मैं और इधर खाली है। ये बोल रहे कि यहाँ पे मैडम देखिए इसका अंडरस्टैंड माना नहीं, यहाँ पे होगा तब माने, कहाँ पे होगा, यहाँ पे टिक लगेगा तब माने, तो ले ही नहीं रहे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ पर इसका मान नहीं है, बोल रहे हैं यहाँ पे विमल चंद 8 बज गया है। हाँ डॉक्टर ने नहीं, हाँ हम सर सुबह 7 बजे के आ गए हैं यहाँ पर, पिछली बार हम आए तो 11 बजने में मैं 5 मिनट कम था, तो इन लोगों ने खून जांच के लिए बोला कि कल अब बंद हो चुका है, जो कि अभी 5 मिनट बाकी था हमारे पास। हाँ 10:55 पर बोले थे, 24 तारीख की बात है पिछले महीने। तो उसके बाद इन्होंने उसके बाद ये बोले कि अल्ट्रासाउंड वाले बोले कि 200 रुपया दे दो काम हो जाएगा, पैसा दो तो काम हो जाता है, इधर में कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है, लेकिन आप अगर टाइम से हैं उसका पैसा नहीं दे रहे हैं तो 5-10 मिनट पहले इनका हॉस्पिटल बंद हो जाता है, और पर्चा वाला भी टाइम से अभी नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में ज़रा सा 20 पर्चा या 30 पर्चा होता है तो ये लोग उसी को बंद कर देते हैं, बोलते इतना ही होगा और पैसा देने पर ही काम सारा होगा। अब ये तो मैंने नहीं जाना है कितना करते हैं, लेकिन अगर मान लें 20-25 पर्चा ये लोग बटोल लेते हैं, उसके बाद का अगर पैसा है पर्चा है तो ये लोग अपना अलग से 200 रुपया 300 रुपया 100 रुपया जैसा भी ये लोग बटोल लें, पैसा भी लेते हैं। हाँ हाँ पैसा लेने पे ही काम होता है। तो बोल रहे हैं कि 8 बजे आइएगा तो पर्चा जमा होगा, और आज आए हम 7:30 बजे तो पता चला कि फूल हो गया, और यहाँ खुला ही नहीं है, 22 नंबर है। कितना टाइम हुआ है? 8 से ऊपर होता होगा, 8:10 या 8:15 कोई आया नहीं है? नहीं, वहाँ निकले हैं तो बोले कि फूल हो चुका, बताइए तो आदमी 8 बजे बोले तो 8 ही बजे ना आएगा, 8 बजे पर्चा फूल हो चुका है। हाँ और 8 बजे कोई आया भी नहीं है? और 8 बजे कोई आया भी नहीं है वहाँ 23 नंबर में। मेरा नाम शुभम है, पिछले 3 दिन से आ रहे हैं, कल हम 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे, और 7:30 बजे आए तो यहाँ पे लाइन काफ़ी लगी हुई थी, ताकि हमारा यहाँ से 11वां नंबर था, 11वें नंबर पे हम आए तो बोले कल कि इससे पहले आओ तभी होगा, परसों भी यही बात बोले थे, कल भी यही बात बोले थे, तो कल भी हम घूम के गए, और आज इतना सवेरे आए, इधर का लाइन फुल हो गया है, यहाँ पे बोले थे कि कुर्सी खाली, आज हमारी वाइफ हैं 9वें नंबर पे बैठी हुई हैं, लेकिन इधर का भी देखिए कोई इशू है नहीं, और यहाँ पे 8 बज गया है और ये भी खुला भी नहीं है, और यहाँ पे ये लोग 5 मिनट अगर लेट हो जाता तो हम लोगों को घर भेज देते हैं। सर यहाँ पे फ्री केवल नाम के लिए ही है, हम लोग उतने दूर से आते हैं अपना किराया भाड़ा लगा के, अपना टाइम वेस्ट करके, हम लोग वर्कर आदमी हैं, एक दिन अगर नुकसान करते हैं तो 700-800 रुपये का हम लोग का दिहाड़ी बनता है, वो भी चला जाता है, लेकिन 3 दिन आज हम लोग लगातार यहाँ से आके और घूम के निराश होकर जा रहे हैं, यही हमारे जिला अस्पताल गोरखपुर का यही नियम हो गया है सर, उधर है तो जो भी है 50 रुपया 100 रुपया 200 400 लोग ऐसे लेके लोगों का कर दे रहे हैं, कोई है तो तगड़े में बोल के झगड़ा करके लेके अपना करवा के चला जा रहा है। जी सर मैडम और यहाँ पे जो स्टाफ बैठते हैं उनसे होती है। पुरुषोत्तम कहाँ से हैं? खलीलाबाद से आए हैं, और हमारे दुल्हन के ये सखी हैं और उनकी बड़ी पतोह है, और लिहाजा अभी तक 4 बजे से भोर से बैठे हैं, अल्ट्रासाउंड कराने आए हैं, अल्ट्रासाउंड कराने आए हैं, अभी तक कोई कब से नंबर लगे हैं अपने? और 4 बजे भोर में आए हैं, अभी तक कोई वो नहीं करवाई भैया। कितना बज रहा है टाइम? 9 बज रहा है, अभी तक इसका टोकन देने के बावजूद भी नहीं लोग किए हैं। चौथा नंबर है आपका? वो दूसरा नंबर पर है। अच्छा ये नंबर कैसे लगता है? नंबर भोर में आए हुए हैं। हाँ तो 4 बजे टोकन तो मिला नहीं होगा, टोकन नंबर जब टोकन बढ़ता है तो 1 नंबर 2 नंबर होता है, तो फिर जब नंबर वाइज कर रहे हैं तो उसको टोकन के साथ वो करें ना कि आके दूसरा कोई है। मतलब आप लोग 4 बजे भोर में आए हैं तो मतलब लाइन द्वारा नंबर वाइज होता है? हाँ 1 नंबर 2 नंबर। हाँ 1 नंबर 2 नंबर जब काउंटर खुलता है 8 बजे के बाद टोकन बढ़ता है। हाँ अभी तक कोई हुआ नहीं भैया, और बेचारी अभी तक बैठी हैं इस मारे इस कारण के वजह से, कम से कम ये तो सुझाव करें अधिकारी लोग, मैं गलत कहूँ तो कहिए,
भाई अधिकारी इसको जिम्मेवारी लेती है ना कि मरीज अलग तरह दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर है, 9 बज गए अभी तक कोई हुआ नहीं भैया। सर महिला जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड को लेकर मरीजों की तरफ से कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्या मामला है? देखिए महिला जिला चिकित्सालय में पहले 4 रेडियोलॉजिस्ट थे, 4 मशीनों पे काम चल रहा था, अब मात्र हमारे पास 1 रेडियोलॉजिस्ट बचा हुआ है और 1 कॉन्ट्रेक्चुअल, तो 2 लोग कर रहे हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा ही कर रहे हैं। स्वाभाविक है जहाँ पे 4 लोग थे तो अब 2 ही लोग बचे हैं, तो लोगों को समय भी लगता है और जो सुबह फर्स्ट कम फर्स्ट वाला से हिसाब चल रहा है, करीब 25-30 मरीजों को ये लोग टोकन दे देते हैं, नंबर दे देते हैं और 15 मरीज जो हमारे एडमिटेड हैं या कोई इमरजेंसी आ जाती है, ब्लीड करते हुए आ गया या कोई और समस्या लेके आ गया तो उसको तत्काल इमरजेंसी में अर्जेंट लिया जाता है, तो ये और 40 से 45 और कई बार 50 अल्ट्रासाउंड और उससे ऊपर भी एक आदमी जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता है लोग करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे में हर व्यक्ति को नहीं अटेंड कर पाते, खास करके OPD से जो मरीज आते हैं उसमें से 30-35 का ही हो पाता है, बाकी भर्ती मरीजों का और इमरजेंसीज का एक आदमी करता है, तो योरेज हमारा 80+ में ही अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो शिकायतें स्वाभाविक हैं। मरीजों का ना समय से डॉक्टर नहीं आते हैं, 8 बजे जाते हैं, 9 बजे जाता है, आने में उनको हम लोग 4 बजे तक 4 बजे तक करते भी हैं, या ऐसा नहीं है पूरा टाइम देते हैं और कभी कभी हो सकता है आज कुछ समस्या रही हो, आज करवा चौथ है, कुछ महिलाएं लेट हुई हैं या किसी वजह से कोई अगर रास्ते में फंस गया, अदरवाइज सब टाइम से रहते हैं और 2 बजे के बाद भी जितने टोकन बढ़ जाते हैं सबका निपटा कर ही जाते हैं।